नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं तत्काल पासपोर्ट कितने दिन में आ जाता है और कितना टाइम लगता है पासपोर्ट आने के लिए जब हम तत्काल में अप्लाई करते हैं, और जब डिले होता है तो किस रीज़न से होता है, दोनों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे कि हमारा पासपोर्ट कितने दिन में आ जाएगा अगर हम तत्काल में अप्लाई कर रहे हैं तो। सेकेंड रीज़न पर हम बात करने वाले हैं कि किस रीज़न से हमारा पासपोर्ट बहुत ही ज़्यादा डिले हो जाता है, जो कि हमारा जल्दी आना चाहिए था लेकिन बहुत डिले हो रहा है, तो इसके ऊपर ही बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले अगर बात करें कि पासपोर्ट आने में कितना टाइम लगता है तत्काल पासपोर्ट, तो देखो तत्काल पासपोर्ट का जो टाइम पीरियड होता है ना, वो 3 से 7 दिन के अंदर अंदर आने का टाइम पीरियड रहता है कि 3 से 7 दिन के अंदर आपका पासपोर्ट आपके हाथ में आ जाए। लेकिन कौन सी कंडीशन में, कब से कब तक, जब आपका अपॉइंटमेंट, जैसे कि आज के दिन आपका पासपोर्ट ऑफिस का अपॉइंटमेंट है, तो आज से लेके आप पकड़ लो 3 से 7 दिन के अंदर अंदर आपका पासपोर्ट आपको मिल जाता है। समटाइम्स ये भी देखा गया है कि कुछ लोगों का बिना पुलिस वेरिफिकेशन के ही पासपोर्ट उनको मिल गया है और पुलिस वेरिफिकेशन उनका बाद में होता है। तो तत्काल पासपोर्ट जो लोग बनवाते हैं उनको फ़ायदा यही होता है कि उनको पासपोर्ट बहुत ही जल्दी मिल जाता है, समटाइम्स पुलिस वेरिफिकेशन बाद में होता है। तो वो पासपोर्ट जिनको बहुत ही ज़्यादा जल्दी चाहिए होता है तो पासपोर्ट की फ़ीस थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करते हैं, जैसे कि नॉर्मल पासपोर्ट की फ़ीस है 1500 रुपये, तो वो 2000 एक्स्ट्रा पे करते हैं, तो उनका फ़ीस हो जाता है 3500 रुपये। जो लोग तत्काल पासपोर्ट अप्लाई करते हैं वो 3500 रुपये पे करते हैं। अब हम उस कंडीशन की बात करते हैं जिसमें आप पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हो और पासपोर्ट अप्लाई करने तत्काल में ही अप्लाई कर रहे हो लेकिन फिर भी आपका पासपोर्ट नहीं आ रहा है और आपका पासपोर्ट आने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है, और ये किस रीज़न से होता है इसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई भी दिक्कत नहीं आपके सारे डॉक्यूमेंट में तो आपका पासपोर्ट 3 से 7 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा। अब बात करते हैं जिनके पासपोर्ट या फिर डॉक्यूमेंट में कोई इशू आ जाता है और पासपोर्ट नहीं आ पाता है तत्काल पासपोर्ट बनवाने के बावजूद भी। अब बात करते हैं क्या क्या इशू उन्हें फेस करना पड़ सकता है। फर्स्ट इशू आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र, जो हमारा PSK होता है जहाँ पर हम जाते हैं पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए, अगर हमारे डॉक्यूमेंट में कोई इशू होता है तो वहाँ से रिटर्न कर देते हैं और बोलते हैं नाम चेंज करके लाओ, तो नाम चेंज करने में 10-15 दिन डिले ऐसे हो जाता है, या फिर कोई भी वहाँ पे डॉक्यूमेंट में या नाम में मिसमैच होता है तो उस टाइम पर भी वो लोग हमें वापस कर देते हैं, फिर वो चीज़ हमें चेंज करना पड़ता है। अब वहाँ से अगर प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर लिया है तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन उसके बाद में आता है। समटाइम्स मैंने बोला था कि तत्काल पासपोर्ट हर बार नहीं जल्दी आ जाता है, समटाइम्स पहले पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है, तो अगर पुलिस वेरिफिकेशन में आपकी फाइल गई वहाँ पर रिव्यू हुआ तो उस वजह से भी आपका पासपोर्ट रुक जाता है और पुलिस वाले जो है निगेटिव रिपोर्ट भेज देते हैं अगर कोई इशू रहता है तो। और तीसरा पॉइंट की बात करें क्यों डिले होता है, तो वो आपकी फाइल फिर से एक बार रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में चेक करी जाती है, और जब रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में चेक करी जाती है और आपके डॉक्यूमेंट को मिलाया जाता है तो वहाँ पर अंडर रिव्यू शो करने लगता है, या फिर आपने पहले पासपोर्ट अप्लाई करा था वो आपकी फाइल शो करने लगती है, तो उस कारण से आपकी फाइल को वहीं रोक दिया जाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपको पासपोर्ट अप्लाई किए हुए तत्काल में आपने अप्लाई किया था, अप्लाई किए हुए 15 दिन, महीना दिन भी, 1.5 महीना, 2 महीना ऐसे हो गया लेकिन अभी तक आपका पासपोर्ट नहीं आया, तो इसके पीछे का रीजन होता है कि आपकी फाइल रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में रुकी है। अब इस प्रॉब्लम का सलूशन यही है कि आपको रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, तभी जाकर आपके प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा, अदरवाइज और कोई इसका सलूशन नहीं है। तो आज की वीडियो मुझे बस यही आपको बताना था कि अगर ये तत्काल में आप पासपोर्ट अप्लाई करते हो तो क्या क्या आपको फेस करना पड़ सकता है, क्या नहीं करना पड़ सकता है, कितना दिन टाइम लगेगा, और एक जरूरी बात आपको जरूर सुनना चाहिए। अब इस केस में कुछ लोग बोलते हैं कि क्या हम जो इंक्वायरी अपॉइंटमेंट है, अगर हमारी फाइल रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में रुक जाती है तो जो हम इंक्वायरी अपॉइंटमेंट लेंगे क्या हमें वो तत्काल बेसिस के हिसाब से मिलेंगे। वो लोग सोचते हैं कि उन्होंने तत्काल में पासपोर्ट अप्लाई किया था तो उन्हें 5-10 दिन के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। जो नॉर्मल जो लोग अप्लाई करते हैं तत्काल पासपोर्ट हो या फिर नॉर्मल हो, इंक्वायरी अपॉइंटमेंट सबको सेम डेट के हिसाब से मिलता है। इंक्वायरी अपॉइंटमेंट में कोई तत्काल नॉर्मल ऐसा कोई कैटेगरी नहीं डिवाइड होता है, दोनों सेम होता है, चाहे आपने तत्काल से अप्लाई कराओ चाहे आपने नॉर्मल कैटेगरी में अप्लाई कराओ। अगर आप दोनों के रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में रुके हैं तो आप दोनों लोग को रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का इंक्वायरी अपॉइंटमेंट लेके जाना है। समटाइम्स 10 दिन बाद का अपॉइंटमेंट मिल जाता है, आज बुक करते हो तो 10 दिन बाद मिल जाता है, कभी कभी 20 दिन बाद, कभी कभी 1 महीने बाद, कभी कभी 1.5 महीने बाद कुछ आदमी में मिलता है। और महाराष्ट्र की बात करें मुंबई की, तो वहाँ पर भाई 3 महीने बाद का अपॉइंटमेंट मिल रहा है, तो ऐसा सीन है। ये जो है आपको फेस करना पड़ सकता है, और इतना टाइम इसलिए लगता है क्योंकि उससे पहले के जितने भी स्लॉट होते हैं ना वो सारे के सारे बुक हो गए रहते हैं, वहाँ पर जाने वालों का जो सीट होता है वो कन्फर्म हो गया रहता है, इसलिए आपका स्लॉट उतना आगे मिल रहा होता है। तो इतने ज़्यादा लोग अप्लाई करने वाले हैं और इसलिए थोड़ा सा ये डिले हो जाता है। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आप किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।